अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गुलनाज राशिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिप्स बाय गुलनाज राशिद। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूं बीफ रोस्ट, बहुत टेस्टी, बहुत यमी, बहुत सिंपल और इजी रेसिपी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीफ रोस्ट की इजी सी रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 kg बीफ, इसको मैंने बड़े पीसेस में कटवाया है और इसको मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट डालकर बॉयल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर धनिया पाउडर, सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। ये अभी जस्ट सॉल्टी मीट है, इसकी मैरिनेशन होगी। साथ ही मैं ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ 1/2 tablespoon, ज़ीरा डाला है थोड़ा सा पिसा हुआ, और अब मैं इसमें योगर्ट भी ऐड करूँगी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, ताकि ये स्पाइसेस जो हैं अच्छी तरह से तमाम पीसेस के साथ चिपक जाएं और अच्छी सी कोटिंग हो जाए। हाफ कप मैं इसमें योगर्ट ऐड कर रही हूँ। योगर्ट को मैंने फेंट लिया है, इसकी मदद से स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से अंदर तक अब्सॉर्ब हो जाएंगे। इसको हम 2 hours के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। मैरिनेट करने के बाद कि देखिए अब ये रेडी है, इसको आप कवर करके या किसी भी तरह से लेड लगा के 2 hours के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। ये हल्दी पाउडर भी मैंने ऐड किया है इसमें, इससे इसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक पैन गरम होने के लिए रखा है और उसमें 4 tablespoon ऑयल ऐड किया है। अब ये मैरिनेशन के बाद 2 hours के बाद ये तमाम पीसेस मैं इसमें रख के इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। ये गोश्त जो है ऑलरेडी बॉयल है, गला हुआ है, हमने जस्ट इसका फ्राइंग करके कलर चेंज करना है और हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, हम इसको शैलो फ्राई ही करेंगे। इस तरह से तमाम पीसेस मैं इसमें रखती जाऊँगी। ये देखिए पीसेस का साइज़ बड़ा है, जब इसको हम कट करेंगे और सर्व करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लुक देगा। 4 minutes तकरीबन एक साइड से मैंने इसको कुक किया है, देन हम इसकी साइड टर्न करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। तमाम पीसेस को इसी तरह से टर्न करते जाएंगे। और इसी तरह से बाकी का भी जितना मीट हमारे पास है मैं उस सबको भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। बहुत इजी तैयार हो जाता है, जस्ट बॉयल करना है और देन मैरिनेशन के बाद फ्राइंग। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।